दोस्तों नैनो के डीपर असेंबली के बारे में बात करने वाले हैं हम आज। नैनो में आप ये देख पा रहे हैं, मैंने डीपर असेंबली को आपको दिखाया है, इसमें दो रॉड्स लगी हुई हैं लेफ्ट और राइट। मैंने शीशे के ऊपर की तरफ से इसका वीडियो बनाया है। इसमें ये जो रॉड है ये आपकी वाइपर रॉड है वाइपर चलाने के लिए, और ये जो रॉड है ये आपकी डीपर को, हेडलाइट को, पार्किंग को, इंडिकेटर को जलाने के लिए होती है। तो दोस्तों मैं आज इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि ये दो रोड्स डेलक्स गाड़ियों में होती है, एसी गाड़ियों में होती है, मगर कुछ कारों में सिंगल रोड होती है, जिससे कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोड टूटी भी तो नहीं है और हम अपने वाइपर को नहीं चला पाते। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं, आपको इस रोड के बारे में बताता हूँ। इस रोड में आप देख पा रहे हैं कि इंडिकेटर, हेडलाइट और फॉग लाइट के लिए तीन पॉइंट्स बने हुए हैं, जो कि डबल रोड के लिए होता है। ये बीच वाला आप देख रहे हैं ये फॉग लाइट के लिए होता है। ये फॉग लाइट जब भी हम हेडलाइट जलाते हैं उसके बाद अगर नीचे बम्पर में फॉग लाइट जलानी हो तो हमें इसको ऊपर नीचे घुमाना होता है। और जो आप एरो देख रहे हैं ये एरो हमारे इंडिकेटर या लेफ्ट राइट के लिए भी होता है। और ये आप हेडलाइट के बारे में देख पाएंगे, ये हेडलाइट है, ये हम हेडलाइट को डीपर करेंगे तो ऊपर नीचे करेंगे तो डीपर हो जाएगी हमारी लाइट। तो ये हमारी इस रोड का फंक्शन है। इसमें अप एंड डाउन डीपर के लिए, लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर के लिए होता है। तो ये हम इसमें समझ पाएंगे। अब दूसरी रोड की तरफ हम चलते हैं, दूसरी रोड में देखते हैं। ये आप देख पा रहे हैं ये वाइपर का निशान भी बना हुआ है और वाइपर का वो नोज़ल वाला निशान भी बना हुआ है। इसको ऊपर लो हाई के लिए भी हम वाइपर को इस्तेमाल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हम इस डबल रोड के बारे में समझ रहे हैं। और इसके बाद अब हम बात करेंगे आपकी सिंगल रोड के बारे में, सिंगल रोड में किस तरीके से फंक्शन होता है और एक ही रोड में फंक्शन होता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब हम दूसरी कार की तरफ आ गए हैं, यहाँ सिंगल रोड पर बात करने वाले हैं क्योंकि दूसरी रोड इसमें है नहीं और ये सिंगल रोड डीपर असेंबली है। सिंगल रोड डीपर असेंबली के लिए दूसरी साइड बिल्कुल खाली है, यहाँ कैप भी लगी होती है, इस गाड़ी में कैप नहीं है। अब हम उस रोड की तरफ चलते हैं। इस रोड में भी तीन पॉइंट वैसे ही बने हुए हैं डीपर असेंबली के लिए, लेफ्ट एंड राइट के लिए। ये जो बीच वाला पॉइंट है ये आपका इसके कार के लिए, इसके वाइपर के लिए स्विच है। इसमें फॉग लाइट नहीं है, फॉग लैंप नहीं है, तो उस फॉग लैंप वाली जगह को इन्होंने यहाँ यूज़ किया है क्योंकि इसमें एक रोड को इन्होंने एक पूरे सिस्टम को बचा लिया है। मगर हमें कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, हमें इसमें लिखा हुआ होता है वो देखना है। आई होप दोस्तों, मुझे लगता है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ।